नमस्कार, मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका होराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। 13 किलोमीटर पाइपलाइन का हुआ शुभारंभ। यूनानी ने कहा पानी की पाइपलाइनों पर खर्च हो चुके हैं 30 करोड़ रुपए और 56 के लोगों को मिलेगा लाभ। अजमेर शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पानी की पाइपलाइनों को डालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंत्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को वैशाली नगर स्थित वार्ड 56 के वासिंदों की समस्याओं का समाधान करते हुए 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि सरकार लोगों की पेयजल समस्या के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। अजमेर में अब तक 36 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का जाल बिछा चुके हैं, इससे बड़ी संख्या में परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। आज शहर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का श्री गणेश किया जा रहा है। लगभग आज टोटल 13.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन अजमेर की 25 कॉलोनियां जिसमें पानी की समस्या है उनमें बिछाई जा रही है, जिसमें आज अशोक विहार क्षेत्र में 800 मीटर, आपके गांधीनगर एलआईसी कॉलोनी के अंदर 600 मीटर और उसके साथ अपना नगर में 400 मीटर और यहां इस हरिनगर में 1000 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसका 3 किलोमीटर तो केवल आज के इन 4 कॉलोनियां बिछा रहे हैं। धीरे धीरे अगले दिनों में ये 13.5 किलोमीटर बिछेगी और अजमेर के लोग पानी की समस्या से जो परेशान रहे हैं, इसलिए इस बार 4 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले कभी 1 इंच थी, 1.5 इंच थी, 2 इंच की थी या कहीं खुदा न खास्ता कहीं 3 इंच की बिछ गई होगी, लेकिन 4 इंच की पाइपलाइन कहीं नहीं बिछी। ऐसे 4 इंच पाइपलाइन से इनको प्रेशर से पानी भी मिलेगा और राहत भी मिलेगी। और साथ में आज राजीव नगर में और गांधीनगर में 20 लाख की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण का भी श्री गणेश किया है। मुझे लगता है कि अजमेर जो एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, उसमें सड़क नाली और पानी की समस्याओं के लोग हमने विशेष ध्यान दिया है। लगभग इस 2 वर्षों के अंदर 38 करोड़ की तो सड़क के निर्माण के काम हुए हैं और लगभग 30 करोड़ रुपए से यह पाइपलाइनें और पानी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। जहां पे आजादी के बाद कभी भी बीसलपुर का पानी घरों पे नहीं पहुंचा, ऐसे हाथीखेड़ा, अजयसर, खरेखड़ी, लोहागल, मकड़वाली ऐसे गांव में भी बीसलपुर का पानी घर घर पहुंचना प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर की चिंता करके इनको 4-4 योजनाएं दी, उसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि उनके भावनाओं का आदर करते हुए वास्तव में अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने में हम प्रयत्नशील हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी विकास में पैसे की कमी हम नहीं आने देंगे और निरंतर ये विकास की गंगा बहती रहेगी। हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे, जनता का आशीर्वाद हम लेते रहेंगे, इनकी समस्याओं का हम लोग निस्तारण कर। शहर में लगने शुरू हुए सीसीटीवी कैमरे, अपराधियों पर लगेगी लगाम, पुलिस लगवा रही है चौराहों पर कैमरे। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए महानगरों की तर्ज पर अजमेर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के कई हिस्सों में कैमरे लगवाए जा रहे हैं। शुरुआत में यह कैमरे सभी प्रमुख चौराहों पर लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी शहर की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से इन कैमरों को लगवाए जाने के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा था। इन कैमरों से ट्रैफिक पुलिस को भी सहूलियत मिलेगी। अजमेर का 365 कैमरे लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 25 पॉइंट हमने कम्प्लीट कर दिए हैं। 25 पॉइंटों में 42 कैमरे लगेंगे, सारे कैमरे बॉक्स कैमरे हैं, कुछ कैमरे फिक्स्ड हैं, उनका भी 42 कैमरे का। पदोन्नत की मांग को लेकर NWRU ने किया प्रदर्शन, DRM कार्यालय पर जुड़े रेल कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन के लिए चेताया। पदोन्नति की मांग को लेकर रेल कर्मचारी यूनियन NWRU ने DRM ऑफिस पर प्रदर्शन कर रेल अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने अजमेर मंडल अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनकी कार्य प्रणाली के कारण रेल कर्मियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि दूसरे मंडलों के कर्मचारियों को ये लाभ आसानी से मिल रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों पर पदोन्नति का लाभ जल्दी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन के लिए चेताया है।
अगस्त 16 के अंदर रेलवे बोर्ड द्वारा आर्टिजन कैटेगरी में रीस्ट्रक्चरिंग के आदेश जारी किए थे, जिनको 1/9/2016 से लागू किया जा रहा। लगातार यूनियन प्रयास कर रही है पिछले वर्ष से, और एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार कहने का काम कर रही है कि लोग सेवानिवृत्ति होते जा रहे हैं और पदोन्नति आदेश आप जारी नहीं कर रहे। पहले तो कैडर वेट करने में अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने देरी करी या लोकल स्तर पर, फिर उसके बाद में यूनियन ने मई के महीने में 3 प्रदर्शन करके और उसको दबाव में लेने के बाद में उस कैडर को वेट करने का काम किया। उसके बाद में पदोन्नति आदेश 28-29 मई को जारी होने का काम हुआ, लेकिन उसके बाद मुख्य कारखाना प्रबंधक के आदेश से सभी आदेशों को स्थगित करने का काम कर दिया। उसके बाद हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं और बराबर हर स्तर के ऊपर हमने प्रयास किया, यहाँ से लेकर के जयपुर तक, जनरल मैनेजर तक, लेकिन कोई भी आदेश देने को तैयार नहीं था। और इसके अलावा जोधपुर में, बीकानेर में और जयपुर प्रधान कार्यालय में और अजमेर मंडल के अंदर लगातार पदोन्नति आदेश जारी हो रहे थे, उसको देखते हुए कारखाने के अंदर, क्योंकि यहाँ आर्टिजन कर्मचारी बहुत ज़्यादा है और जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसमें आर्टिजन कर्मचारियों को पदोन्नति सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में मिलने वाली है, किंतु यहाँ का प्रशासन केवल हेडक्वार्टर के नाम से सोया हुआ था कि हेडक्वार्टर से कोई निर्देश आएंगे तो हम प्रमोशन करेंगे, जबकि हेडक्वार्टर से हमारी बातचीत होती थी तो हेडक्वार्टर कहता था हमने किसी प्रकार कोई रोक नहीं लगा रखी है। आज हमने कल इनको यहाँ नोटिस देने का काम किया था इंटेलिजेंस के माध्यम से, जनरल मैनेजर को, CPO को और हमारे मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय को। मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय कल से लगे हुए थे और आज कुछ उम्मीद बनी है कि आज कुछ पदोन्नति आदेश जारी करने की बात करेंगे। अभी हमारी डिप्टी CPO से बात हुई है और उन्होंने कहा है आज हम पदोन्नति आदेश जारी करने जा रहे हैं। ये कर्मचारियों के लिए पिछले 3 महीने से जो प्रमोशन का इंतजार हो रहा था, हर कर्मचारी को 2 से 3 हज़ार रुपये का आर्थिक नुकसान ये लोग दे चुके हैं, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज। ABVP और NSUI ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव, गुरुओं के पैर छूकर किया तिलक, NSUI ने बजवाए ढोल तो शिक्षकों ने उन्हें भगाया। रविवार को गुरु पूर्णिमा है, स्कूल और कॉलेज में अवकाश होगा, तो छात्र संगठन ABVP और NSUI ने गुरु पूर्णिमा 1 दिन पहले ही मनाई। आज के महाविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ताओं ने अपने गुरुओं के पैर छुए और तिलक वंदन कर आशीर्वाद लिया। वहीं NSUI ने भी गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए NSUI के पदाधिकारियों ने कॉलेज परिसर में ढोल मंगवा कर बजाने शुरू कर दिए। इधर कॉलेज में कोई परीक्षा चल रही थी, बस फिर क्या, परीक्षा कार्य में जुटे शिक्षकों ने ढोल पर आपत्ति करते हुए उसे बंद करा दिया, ढोल भी जब्त कर लिए। NSUI पदाधिकारियों ने विरोध भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो आज हम महाविद्यालय में सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य जी का हमने माला पहनाकर तिलक लगाकर और द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान करा। जिस तरह से आप जानते हैं कि बालक की जो प्रथम गुरु होते हैं उसकी माँ होती है, तत्पश्चात उसका दूसरा गुरु उसका शिक्षक होता है, शिक्षकों की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। इस तरह वो दुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलियारी गुरु की गोविंद बताएं, उसको आधार मानते हैं हमने ये प्रोग्राम रखा। और इसमें हमने पूरे NSUI टीम, अमरचंद जाजड़ा, राहुल मीणा, कल्पना लखन, संदीप शैली, इन सब ने मिलकर एक अच्छा आयोजन करा और अच्छी स्ट्रेंथ में स्टूडेंटों ने गुरुओं का सम्मान करा। अनिश मारुटिया, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अच्छा, एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम के बीच आपने ढोल बजाए और एग्जाम का नोटिस ना तो अखबार में था ना किसी प्रकार की सूचना थी, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को भी पता नहीं था, बाहर नोटिस भी लगा रखा था, इस कारण ये थोड़ी सी गलती हुई थी। अच्छा, आज तो तुम सम्मान कर रहे हो, कल वही गुरु का अपमान करते हो, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हो। वो तो छात्रों की जो आवाज़ होती है, जो मांगे होती है, उसके लिए गुरुओं के पास जाके ज्ञापन देके इस तरह से जो होती है, जो परंपरा चल रही आती है, वो करना पड़ता है। इससे शांति से भी बैठ के निपटाया जा सकता है। शांति से घटता है बात को, एक बार दो बार अगर नहीं आती है तो फिर ज्ञापन का सारा मिल जाता है। नाम बताओ। अनिश मारोटिया, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। 6 जेल प्रहरियों की बिगड़ी तबीयत, भूख हड़ताल पर बैठे हैं जेल प्रहरी, वेतन विसंगति दूर करने की कर रहे हैं मांग। वेतन विसंगति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरियों में से 6 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत में कुछ सुधार आया,
जेल प्रहरियों का आंदोलन पिछले 3 दिन से चल रहा है। जेल प्रहरी से मिलने के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। वेतन विसंगति को लेकर कर्मचारी नेताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे जेल प्रहरियों का प्रहरी साथियों का अनशन ये गांधीवादी तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, लगभग ये 3रा दिन इनको आज अनशन करते होंगे। अपनी ड्यूटी बराबर सरकार की जो ड्यूटी इनको दे रखी है जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी भूख हड़ताल करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपनी वेतन विसंगतियों के लिए और इनकी छोटी छोटी मांगें हैं जो सरकार को पहले से ही 1 महीने पहले ज्ञापन दिया हुआ है। पहले 21 तारीख को 1 दिन का अनशन देके सरकार को चेतावनी दी थी, उस नहीं मानने पर ये लोग 3 दिन से लगातार अनशन कर रहे हैं। उसके बाद 80 कर्मचारी जेल ट्रेनिंग सेंटर के हैं, वो इन्हीं के साथी हैं, वो भी कल से ही वो भी अनशन पर है। उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है उनके प्रिंसिपल जी महोदय को। और आज स्थिति यह है कि हमारे 3 साथी कल यहाँ अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनको एम्बुलेंस से लाए गए थे और आज 7 साथियों को आज लाए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से रवि कुमार गौड़, सुमेर सिंह, मदन लाल यादव, गिरधारी लाल, जयपाल सिंह, प्रेमचंद, सुंदर सिंह, इन लोगों को आज एम्बुलेंस में वहाँ से सेंट्रल जेल से बिठा कर लाए हैं। और आज ये सारे लोग भर्ती हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हार्ट ब्लीडिंग बढ़ी है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी एक घटना हुई है जो ऑन ड्यूटी कर्मचारी है उनके ऊपर सरकार ने रेशमा लगाने की कोशिश की है। सरकार ये चाहती है काम या करो या मत करो, अब इनको सरकार इनको बंद करने के चक्कर में है और इनको अरेस्ट करना चाहती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये महासंघ के सानिध्य में ये अनशन ये कार्यक्रम इनका चल रहा है और मैं इनको स्पष्ट सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर रेशमा लगाने की कोशिश की और इन कर्मचारियों के साथ जाति करने की कोशिश की तो महासंघ भी आंदोलन कर। शहर का सबसे पुराना मॉडर्न सिनेमा हॉल हुआ सीज, नगर निगम का टैक्स था बताया, 11 लाख रुपए के लिए निगम ने लगाए ताले। शहर के सबसे पुराने सिनेमा हॉल मॉडर्न टॉकीज को नगर निगम ने सील कर दिया है। मॉडर्न सिनेमा हॉल के संचालक पर निगम 11 लाख रुपए का टैक्स मांगती थी। इस टैक्स की वसूली के लिए संचालक को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन संचालक ने राशि जमा नहीं कराई। नोटिस की मियाद समाप्त होने पर निगम प्रशासन ने शनिवार को टॉकीज पर ताले जड़ दिए। निगम के आयुक्त गजेंद्र सिंह ललाता के नेतृत्व में पहुंचे निगम के दस्ते ने मॉडर्न टॉकीज के संचालक को अर्बन डेवलपमेंट टैक्स के 11 लाख रुपए जमा कराने को कहा, लेकिन वह नहीं जमा करा सका। इसी को लेकर निगम ने टॉकीज को सीज करने की कार्रवाई की है। मतलब किस तरह की कार्रवाई की गई? राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो हमें यूटिलिटी टैक्स में वसूली करनी है, सख्ती से वसूली करनी है, उसके तहत आज यहाँ मॉडर्न टॉकीज पे सीसी की कार्रवाई की है। मदन टोपी से करीब 11 लाख रुपए का जो टैक्स था वो बकाया था और उसके लिए हमने इनको धारा 130 का नोटिस दिया था, उसके बाद 131 में कोर्ट के वारंट जारी किया। उसके बाद भी अन्य आयुक्त महोदय से इन्होंने 2 दिन का समय लिया था, लेकिन आज तक शाम तक भी इन्होंने कोई ना तो टैक्स चेक किया ना कोई पैसा जमा कराया। तो नियम अनुसार हमने आज यहाँ कोर्ट की कार्रवाई की है और इसको सीज कर दिया। एनएचयूए ने फूका कुलपति का पुतला, महिला उत्पीड़न समिति के कार्यालय में लगे ताले से नाराज है विद्यार्थी, कई बार कर चुके हैं मांग। एमडीएस यूनिवर्सिटी परिसर में एनएचयूए कार्यकर्ताओं ने कुलपति का पुतला फूंक कर रोष जताया। एनएचयूए कार्यकर्ता लंबे समय से यूनिवर्सिटी में बने महिला उत्पीड़न निवारण कक्ष में जड़े ताले को खुलवाने की मांग कर रहे हैं। एनएचयूए ने इस कक्ष के ताले खुलाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आज तक ताला नहीं खुला। पिछले 27 जून को हमने महिला कमेटी कक्ष निवारण कमेटी का कक्ष खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया था विशेष आपको, जो अभी तक खुला नहीं, इन्होंने वापस आए थे। आज विशेष आपका पुतला फूका गया है, क्योंकि ये महिला विरोधी, अभी तक कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। कक्ष खोलना चाहिए था, इनको 7 दिन का टाइम दिया था जो अभी भी पूरा नहीं किया गया है। इस चक्कर में आज विशेष आपका पुतला फूका मेन गेट पे, फिर हम निवारण कक्ष कमेटी के द्वार गेट वहाँ कक्ष के बाहर गए, ताला लगा हुआ है जो बिल्कुल सड़े वजह से नहीं रहते, मिट्टी जमी है ऐसे कुछ लगा हुआ है ताला बिल्कुल। इसे फिर विशेष आपके पास आए हुए हैं, विशेष आप ने हमें नए रूम आउंटेड करने के लिए बोला है। फल खरीदने को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने लिया हिरासत। फल खरीदने को लेकर एक विक्रेता और क्रेता के बीच विवाद हो गया।
विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मामले को संभालते हुए दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार केसरगंज इलाके में एक फल विक्रेता और क्रेता के बीच विवाद होने के बाद दोनों से जुड़े लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिरासत में लिए गए लोगों को जिलेन अस्पताल में मेडिकल मुआवजा कराया गया। सामने फ्रूट का ठेला है, पांच छह व्यापारी सदा आए थे, उन्होंने मारपीट की ठेले वाले के साथ में, घर से नहीं लूट कर रही, पैसे की लूट कर रहे, लाल बार बार सब फेंके थे, थर्ड बार फेंके ठेला उल्टा नहीं कर गया। क्या बोला था आपको भाई? इनको बोला खाली, उन्होंने को दिया खाली, आके उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया। आप उनको जानते हो? नहीं सर, मैं पहचान कर लूँ, पहली बार से कर किस चीज़ को मारा? आपको मारा हो? उनको खाली सिर्फ अशोक कुमार सैनी को मारा है, वो अशोक कुमार सैनी उससे हॉस्पिटल में। क्या लगता है आप? वो मेरे जिया के लगते हैं। ठीक है, आपको कितने बजे पता चला जब आवा है? अभी मेरा मार्क्स लिखने के बाद में एक घंटे बाद में मालूम पड़ेगा। अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार सिंह। आज केसरगंज चौकी क्षेत्र के अंदर दो पक्षों के मध्य मारपीट हो गई है, जो किसी ठेले वाले से फल को लेने की बात को लेकर विवाद हुआ। उसी विवाद के पश्चात दोनों पक्षों ने आपस में हाथापाई कर ली। पुलिस को रिपोर्ट मिलने के पश्चात पुलिस मौके पर गई और राजा राम ऐसे केसरगंज चौकी इंचार्ज ने मौके से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो दोनों पक्षों के हैं। उनको लाके हमने अभी बंदवाला किया है, उनका मेडिकल मुआयना कराया जाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके पश्चात जैसी ये रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर निर्णय लिया। मौके पर शांति है, यातायात व मौके का जो बाजार है वो खुला हुआ है, यातायात सुचारू है। लोक अदालत निपटाई की 10,000 मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगेगी अदालत, समय पर मिलेगा न्याय। जल्दी और समय पर लोगों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर आदेश पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिला अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत से विभिन्न तरह के 10,000 मामलों को जोड़ा गया है। जिला जज ने इन मामलों के निस्तारण की उम्मीद जताई है। इन अदालतों के माध्यम से लोगों के मामलों का निस्तारण कर उन्हें राहत दी जाएगी, इससे दूसरी अदालतों का कामकाज भी कम हो जाएगा। केवीवीपी ने मनाया स्थापना दिवस, अब नारी चेतना रैली निकाली, सप्ताह भर होंगे आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना स्थापना दिवस मौके पर सेंट्रल भवन से गांधी भवन तक नारी चेतना रैली निकाली गई। रैली को शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। केवीवीपी की स्थापना वर्ष के मौके पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद हर साल 6 जुलाई को अपना स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता आया है। इस सप्ताह विद्यार्थी परिषद ने पूरा सप्ताह युवा महोत्सव सप्ताह के रूप में मना रहा है। पिछले 6 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 जुलाई को साइकिल रैली निकाली गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण मुक्त पर्यावरण था। अब उसके बाद आज विद्यार्थी परिषद द्वारा नारी चैतन्य रैली निकाली जा रही है, जो नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। आज के प्रोग्राम में मुख्य प्रवास शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी जी का होगा। धन्यवाद। मैं सीमा वालोटिया रांची। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? ये रैली इस सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से गांधी भवन होते हुए वापस यहीं पर ही आएगी। मैं सीमा वालोटिया राजकीय महाविद्यालय। 3 बच्चियां बाहर चली गई हैं, इस तरह 1 साल के दरमियान में बच्चियां इनकी खेत आगे कॉलेज तक और वो फ्री पढ़ाई करेगी। 2-3 लाख रुपए जितना उसका खर्चा होता है वो उसको सरकार। इस तरह नारी पढ़े, हर बच्ची पढ़े, हर घर पढ़े, इसकी चिंता सरकार ने शुरू की। और इसके साथ आपने देखा होगा पिछले दिनों यहां भी हमने बालिका सागर महाराज का किशनगढ़ में हुआ मंगल प्रवेश, जनसभा ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, जनसभा में लिया सैकड़ों लोगों ने भाग। जैन संत सुधासागर महाराज, महासागर महाराज, निष्कप सागर महाराज, शुल्क धैर्य सागर महाराज का किशनगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ।
चारों संतों के स्वागत के लिए जैन समाज उमड़ पड़ा। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मुनि पंचायत मुरलीवाला टावर से मुनि संघ की सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य अगवानी की गई। यहां से जैन संतों की भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में समाज के पुरुषों ने सफेद कपड़े, महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनी। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, शहनाई वादक सहित ढोल और बैंड शामिल थे। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रविंद्र रंगमंच पहुंची, जहां शोभा यात्रा धर्म सभा में बदल गई। इस मौके पर संगीत में कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां हुई। शोभा यात्रा में आर के मार्बल परिवार के अशोक पाटनी, सुरेश पाटनी, विधायक भागीरथ चौधरी, पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, सुशील अजमेरा, विनोद चौधरी, सुभाष गंगवाल, मुकेश बेद, अशोक पापड़ीवाल, सुनील सोनी, विकास पाटनी, जितेंद्र छावड़ा सहित जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। उपस्थित नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार उपस्थित सभी साधारण बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हमारे नगर में उनका पदार्पण हुआ है। देखिए बंधुओं, महाराज श्री के आगमन के लिए, नगर में प्रवेश के लिए पूरा देश लालायित रहता है, और आज आपको यह सौभाग्य मिला है कि महाराज श्री अपने नगर के अंदर पधारे हैं। महाराज श्री, मेरा आपसे निवेदन है, इन सब पूरे किशनगढ़ वासियों की ओर से आपके विनम्र चरणों में मेरा विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि महाराज श्री आपको चातुर्मास हमारे किशनगढ़ नगर में ही करना है, हम सबकी ये भावना है। और मैं इन सब की ओर से यह भावना बताऊं कि यह किसान का चातुर्मास पहले आपके जितने भी चातुर्मास हुए हैं उनसे ज्यादा अच्छा और ऐतिहासिक होगा, और आप पुराने सारे चातुर्मासों को भूल जाएंगे। ये मेरा पक्का मेरा वादा है आपसे कि यह किसान का चातुर्मास एकदम सारे चातुर्मास से अलग और ऐतिहासिक होगा। मेरे और बोलो भाइयों, आप सबके ओर से महाराज श्री को निवेदन करूं या नहीं करूं? आप तो जोर से बोलिए, जो बोले मुनि पुंगव सुधा। महावीर सेवा समिति ने लगाया कैंसर जागरूकता शिविर, बड़ी संख्या में उमड़े लोग, चिकित्सकों ने दिया परामर्श। महावीर सेवा समिति की ओर से कैंसर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिविर स्थल पहुंचे। समिति के कोतवाली थाना स्थित कार्यालय पर आयोजित इस शिविर में चिकित्सकों ने लोगों को कैंसर से संबंधित परामर्श दिया। बढ़ती जाती है और वो कैंसर की कोशिकाएं धीरे धीरे गांठ का रूप लेती है, वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, फिर वहां से कैंसर सेल बगल की गांठों में फैलती है जिसे अपन लिम्फ नोड कहते हैं, धीरे धीरे अपनी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके साथ मिलकर शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है, जिससे ये बीमारी एक जगह उत्पन्न होकर शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाती है, जिसे हम लास्ट स्टेज में स्टेज पूरा कह सकते हैं। चेतना शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों ने दिया स्वच्छता का संदेश, रैली निकालकर फैलाई जागरूकता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निकाली रैली, चेतना शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए रैली निकाली। स्कूल परिसर से शुरू हुई रैली सिंगार चौरी सहित आसपास के इलाकों से गुजरी। रैली के दौरान विद्यार्थियों के हाथों में स्वच्छता के स्लोगन लिखी तख्तियां थी। विद्यार्थियों ने नारों से भी दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज हमने बच्चों की रैली निकाली। ये रैली चेतना स्कूल की बच्चों के द्वारा निकाली गई। इसमें हमने बिहारीगंज, भजनगंज, शिवनगर, तानाजी नगर और श्रृंगार चौरी इधर की छोटी मोटी गलियों से होते हुए सारे बच्चे इस रैली को हमने पूरा किया। और मेन बात यह है कि लोगों में सफाई के प्रति अवेयरनेस तो आई है, लेकिन फिर भी समय समय पर अगर इस तरह की रैली निकलती रहे हैं तो हम सरकार का सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी, जनसाधारणों को भी नहीं, अभी नहीं कर रहा, अपना एरिया साफ करना।
अपना एरिया साफ करने में ध्यान देना चाहिए। कम से कम अपना घर साफ रखें, अपना मोहल्ला साफ करें, अपनी गलियां साफ रखें, इसी से हमारा शहर भी साफ होगा, फिर हमारा देश अच्छा साफ होगा, एकदम स्वच्छ सुंदर बनेगा। बच्चों को रैली जब खत्म हुई तब हमने बच्चों को अल्पाहार दिया। प्रशासन से मिलेंगे स्कूल वैन संचालन, बताएंगे परेशानियां, ट्रैफिक नियमों की करेंगे पालना। स्कूल वैन संचालकों की हड़ताल के बीच संचालकों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में तय किया गया कि संचालकों का एक शिष्टमंडल प्रशासन से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन की पालना के लिए भी विचार विमर्श किया गया। कहता कि नहीं कल से तो घर लेके ही नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन जो बड़े हैं उनको तो छोड़ रहे हैं और केवल हमारे लोगों को ही ये कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही रहेगा, सब कल मिलके तय कर लेंगे, अपन एक शेड्यूल बना लेंगे, अपन तय करके कि भाई इतने बजे मिलके हम, और ये हमारी डिमांड होगी, प्रशासन को माननी पड़ेगी। इसके अंदर ये तय कर देंगे वाहन में कितने बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या होगा और कहां से ले जाना, और ये जब तक अपनी पूरी नहीं होगी भाई, जहां तक ये वर्दी की बात आती है, वर्दी पहन लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शर्म नहीं है, लेकिन वर्दी भी कैसी होगी ये हम तय कर देंगे। गंज इलाके में लगे गंदगी के ढेर, लोग हो रहे हैं परेशान, सफाई कर्मी नहीं दे रहे ध्यान। धरना क्षेत्र से सटा इलाका गंज आजकल गंदगी की चपेट में चल रहा है। सफाई कर्मियों की उदासीनता के कारण पूरा क्षेत्र गंदगी के ढेर से अटा पड़ा है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जिनसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के दुकानदारों में सफाई व्यवस्था को लेकर रोष व्याप्त। विस्तार से पढ़ने के लिए सच के साथ।